ये लुक किस लिए है? हम गांव में शूट करने जा रहे हैं। गांव में शूट किसने है गाइस? चुप रहे, देख सकते हो कवि को ये जम नहीं रहा है। गाइस ये ट्रेन मुझे ब्लॉग स्टार्ट नहीं करने दे रहा है। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कविता दी के ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे रहोगे। तो गाइस आप लोग मुझे देख के काफी सोचते रहोगे कि ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही है, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज कविता दी है बहुत बिजी। यस गाइस, क्योंकि वो सुबह से सो के उठी तब से कुछ ना कुछ काम कर ही रही है, तो उनका ब्लॉग मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एंड गाइस आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और गाइस चलो मैं आपको कविता दी को दिखाती हूँ कि वो फिलहाल में अभी क्या कर रही है। तो गाइस जितना ये लोग काम नहीं कर रहे उतना काम इनका बढ़ जा रहा है और बिजी हो जा रहे हैं। इस बुक को मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या काम बढ़ गया इनका। अच्छा ठीक है ठीक। रंगोली बनाना स्टार्ट की थी पर इनका सब गिर गया था नीचे, जो कि ये अभी क्लीन किया। हाँ, अच्छा रुक बेटा तुझे बताता हूँ। जी हुजूर, तो ये रंगोली बनाएंगी। आता है रंगोली बनाने? नहीं रंगोली थोड़ी बना रही है, मेरे को तो लगा कि नहीं आता है रंगोली बनाने। आटा गूंदने बैठी है। आटा वैसे नहीं गूंदते, आटा आटा सीधे थाली करके गूंथते हैं। वो गुजरात में ऐसा रखते हैं। ज्यादा बोल मत समझाना। क्या हिसाब, इसका फेस देख के बताओ ये अभी सो के उठा है ना? तो खुद का देख ले पहले, मुंह पे। मैं पूरी फ्रेश हूँ, मैं तो 6 बजे का ही उठी हूँ। उठी है लेकिन उठना ना उठना ही है। देखते हैं इनका ये सर्कल बना है कि नहीं। ओ हो क्या बात है, मैंने सिखाया था सीख गई। हैप्पी दीपावली। वो भी नहीं निकला। धनतेरस गाइस ये देखो, बाजू वालों का रूम साफ हो रहा है तो पूरा बाहर रखा हुआ है, तो बैकग्राउंड को आप इग्नोर करना। लोगों करना था, मैंने पहले बोल दिया था इसका ये काम है सब लोग को उपस्थित रहना है। क्यों आके रहते हैं मिलके, तो काम भी करना पड़ेगा ना मिलकर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कविता मैम फर्स्ट टाइम रंगोली बना रही है। चुप रे। नहीं सेकंड टाइम। फिर कौन से एक बार बनाया था, वो भी रंगोली कंपटीशन में हार गई थी बचपन में एक बार बनाया था, उसके बाद आज बना रही है ना कभी। देखते हैं। अरे देख सकते हो ये तो फर्स्ट टाइम ही है। गणपति में तू बनाता था ना? हाँ तभी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा बनता था। तो आज बैठे हैं दोनों जन, दो खाली माइंड बैठे हैं आज रंगोली बनाने, देखते क्या होता है। नहीं इसके पास तो आया है आधा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं है उसके पास भी है। फिलहाल मैं तो तुम लोग के पास नहीं है। नहीं हम लोग के पास तो वैसे भी नहीं है। कविता गाइड कर रही है, फिनिशिंग अच्छा करो। कब तक बन के रेडी होगा कभी ये? फिर भी कब तक, एक टाइम बता सकते हो ब्लॉग में लोगों को? तो इसका कुछ बेसिक बता सकते हो ताकि लोग बना सके अपने घर पे? पूरा बन जाएगा फिर मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे। देख सकते हो कवि को ये जम नहीं रहा है। कवि क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि रंगोली की पेंसिल आती है, उसमें आप कलर डाल के जैसा गोल चाहिए तो गोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। सॉरी देखते कवि कर पाती है कि नहीं। तो कवि वैसे भी आगे बढ़ रही है, तो ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दे। तब मेरे नाक में कुछ नहीं। बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं, है कवि हमेशा आगे रहती है ना। कोमल 1 hour later। सो गाइस कब से कवि रंगोली कर रही है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट उसका वो भी हो गया होगा, नहीं तो बाकी भी होगा। बहुत लेजी है वो अपने काम में, तो देखते हैं उसका रंगोली कहाँ तक पहुँचा है। ओह वाह यार क्या बात है कवि, आना पड़ेगा यार। सुपर्ब है गाइस, देख सकते हो आप लोग इसने बनाया। इसका कमर बहुत दर्द कर रहा था फिर भी इसने
बनाया, वाओ। और ये छोटा सा पेड़ लगाया मैंने। हैप्पी धनतेरस गाइस। देखो मैंने मटकी भी बनाया है, इसमें सोना है, फिर ये अपने दिए हैं, ये तोरण है। इसको बनाने में कैसी आपको स्ट्रगल लगी वो भी बताओ गाइस। सबसे ज्यादा तो मुझे वो पेंसिल रहते ना उसकी बहुत याद आई, क्योंकि उसके बिना ये सब कुछ लिखना भी मुश्किल है। फिर भी मैंने जैसे तैसे ट्राई किया और मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया, शुभ धनतेरस। बाकी मटके में मुझे टाइम नहीं लगा, ये सब चीज़ों में नहीं लगा था। ओवरऑल मेरी रंगोली कैसी आप कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आप भी ऐसी रंगोली बना सकते हो। और अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, अभी हम शूट के लिए भी जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून। चलो तो गाइस मेरी रंगोली बन चुकी है, अभी मैं बना रही हूँ भिंडी और रोटी और दूधी की सब्जी, मतलब लौकी की सब्जी। तो गाइस मेरी बहन आ रही है अभी, तो ये सब जो हम लोग ने डेकोरेशन किया है उसको देख के देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। नहीं हो रहा है बाद में। आज पारिवारिक दिवाली का वीडियो तो नहीं बना रहा है, तो आ गई जो यू देखी। तेरे को ऐसे नहीं बुलाया, कुर्ते के लिए बुलाया। नहीं ऐसा मत, पता है मुझे काम का पहले ही पता चला। नहीं काम के लिए नहीं, काम के लिए बुलाया। नहीं नहीं काम के लिए नहीं बुलाया। पारिवारिक दिवाली मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। तो हम तैयार हो चुके हैं शूट के लिए। ये लुक किस लिए है? किस लिए है लुक? ये लुक किस लिए है? हम गांव में शूट करने जा रहे हैं। गांव में शूट करने जा रहे हैं। ये इसको कहाँ रखना है? ये गांव की छोरी। बैग में, सब बैग में जाएगा। ये भी मुड़ेगा। राम आएंगे तो तेल लेना है। हाँ बैठ ना आराम से। सुनो सुनो सुनो, दिख रहा है। तो गाइस ये हमारा आज का लोकेशन है जो हम लोग दिवाली का शूट करने आए हैं। बहुत प्यारा लोकेशन है गाइस, और वो अंकल लोग ने हमें यहाँ पे शूट करने दिया है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जोरों शोरों से हमारा शूट चालू है। लाइट दिखा रहे जरा उधर, दिखाता हूँ अभी लाइट देखो आएगा इधर कहाँ, अपने ऊपर कहाँ दिखा रहे। हाँ चल बहुत है ना, तब तक जब हो जाएगा। ठीक है चल, ये मैं दिया ले। ये भौजी वाला आया बनाने, भौजी पवन सिंह लग भी रहे तो। बंद कर दिए क्या? मैं सोची यहाँ पे बैठती रहा। राम आएंगे वो सीता माता वाला पोज दिया था ना तुमने। हाँ हाँ हाँ, वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे करना है ये। तो गाइस बहुत वैरायटी वाले मच्छर काट रहे हैं कसम से, इतना परेशान हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कट कर देगी।